वेलकम टू एग्जाम वीटा। हम अपने जीवन में प्रतिदिन या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो परोक्ष रूप से बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वन, जीव जंतु, बहुत सारे धातु, जीवाश्म ईंधन और इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें। क्या तुम्हें पता है इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम संसाधन के नाम से जानते हैं। तो चलो अब हम इस संसाधन के बारे में और भी बहुत सारे तथ्यों को पढ़ते हैं। कक्षा 10 भूगोल के अध्याय 1 में, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन क्या है। साधारण शब्दों में पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। परंतु किसी भी वस्तु को हम संसाधन तभी कहेंगे जब वह इन तीन बातों को पूरा करे। पहला, उसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी या तकनीकी उपलब्ध होना चाहिए। इसका अर्थ है किसी पदार्थ को संसाधन के रूप में उपयोग में लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक चट्टान है जिसमें लोहा बहुत मात्रा में उपलब्ध है, परंतु यदि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो जिससे उस चट्टान से लोहा निकाला जा सके, तो उस स्थिति में उस चट्टान को हम लोग संसाधन नहीं कह सकते हैं। दूसरा, आर्थिक रूप से संभाव्य। इसका मतलब है यदि किसी संसाधन को प्राप्त करना लाभप्रद हो तभी उसे संसाधन कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी चट्टान से 1 केजी लोहा निकालने के लिए 10 लाख रुपए खर्च होता है, तो क्या यह आर्थिक रूप से सही है? उत्तर है नहीं। इसका मतलब वह चट्टान फिर हमारे लिए संसाधन नहीं है। तीसरा, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहा जा सकता है जब वह लोगों को हानि भी ना पहुंचाए और उनकी भावना को ठेस भी ना पहुंचाए। जैसे बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनका हमारे देश में पूजा होता है, तो उनका गलत तरीके से उपयोग करना लोगों की भावना को ठेस पहुंचा सकता है, इसीलिए उसे भी हम संसाधन नहीं मान सकते हैं। संसाधन की परिभाषा। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ को आखिर संसाधन के रूप में कैसे बदला जाता है? मानव विभिन्न प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के मदद से प्रकृति के उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करता है तथा विभिन्न संस्थानों के द्वारा संसाधन को उपयोग के लायक बनाता है। इस चित्र में भी ये चीज देखा जा सकता है। कहने का मतलब है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थानों के बीच पारस्परिक क्रिया के द्वारा संसाधन को उपयोग में लाया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः इन 4 आधार पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। दूसरा, समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा, विकास के स्तर के आधार पर, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार तथा संचित कोष। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। सबसे पहला है जैव संसाधन। वैसे संसाधन जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं
अजैव संसाधन कहलाता है, जैसे चट्टान, धातुएं इत्यादि। समाप्यता के आधार पर संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन, इसे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं या पुनः बनते रहते हैं। कहने का मतलब है, प्रकृति में इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरण योग्य संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं तथा इनके पुनः निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं या कई स्थिति में इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुनः चक्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, जैसे धातुओं को पुनः चक्रित करके उनका वापस से उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है अचक्रीय संसाधन, ये ऐसे संसाधन हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे जीवाश्म ईंधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिसका मालिक कोई व्यक्ति होता है, जैसे घर, जायदाद, भूमि, कुआं, बाग इत्यादि। दूसरा सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग समाज के लोग कर सकते हैं, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे शमशान, तालाब, पार्क, खेल का मैदान इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाया जाने वाला सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जैसे सड़कें, रेल, नहर, खनिज, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमा के अंदर की सारी भूमि। 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र का संसाधन पूर्ण रूप से राष्ट्र के अंदर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं तथा जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समुद्री तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के अंदर के क्षेत्र को अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र जिस देश से जुड़ा होता है वह इस समुद्री क्षेत्र में खनन का मालिक होता है तथा अनुसंधान कार्य भी कर सकता है। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार तथा संचित कोष। पहला है संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जिनको उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी मौजूद है, उपयोग की इच्छा भी है, परंतु पूर्ण रूप से इनका उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। दूसरा है विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, इनकी गुणवत्ता तथा मात्रा भी पता है एवं इसका उपयोग अभी हम कर भी रहे हैं, इन्हें विकसित संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज संसाधन। तीसरा है भंडार, वैसे संसाधन जिनको उपयोग में लाने के लिए अभी उन्नत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, जैसे जल से हाइड्रोजन को अलग करके उपयोग में लाने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। संचित कोष, यह संसाधन भंडार के अंदर ही आता है, ये वैसे संसाधन है जिनके लिए
तकनीकी उपलब्ध है, पर इनको भविष्य में उपयोग के लिए छोड़ दिया गया है, जैसे जल, वन इत्यादि। अब इन चारों को हम लोग इस चार्ट से आसानी से याद कर सकते हैं। संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अभी उपयोग की इच्छा भी है परंतु अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वायु। विकसित संसाधन, इनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अभी उपयोग करने की इच्छा भी है और साथ ही साथ इनको उपयोग कर भी पा रहे हैं, जैसे खनिज। भंडार, इनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, अभी उपयोग करने की इच्छा है पर अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जल से हाइड्रोजन। इसके बाद है संचित कोष, क्या इसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है? हाँ। अभी इसको उपयोग करने की इच्छा है? नहीं। अभी उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, इनको भविष्य में उपयोग किया जाएगा, उदाहरण के लिए वन और जल।